हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से डिवाइस को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और कौन से डिवाइस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इस बारे में भी आज मैं आपको बताऊँगा और बेसिकली सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है, इस बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि जो सीरीज़ सर्किट रहते हैं, मतलब कोई भी डिवाइस को अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो करंट का पाथ है वो थ्रू आउट द ऑपरेशन कॉमन रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप तीन डिवाइस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो इन तीनों डिवाइस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम रहेगा, करंट का जो पाथ है वो कॉमन रहेगा, करंट का पाथ चेंज नहीं होगा। जब भी आप किसी तीन या तीन से ज़्यादा डिवाइस को या दो डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि करंट का जो पाथ है वो अब डिवाइडेड है। करंट अब एक कॉमन पाथ से ट्रेवल नहीं करेगा, करंट डाइवर्ट हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा पाथ करंट के पास रहेंगे ट्रेवल होने के लिए, इसलिए इसको पैरेलल कनेक्शन कहा जा रहा है। सीरीज़ कनेक्शन में क्या रहता है कि करंट का जो पाथ है वो कॉमन रहता है, चाहे आप कितने भी डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। पैरेलल ऑपरेशन में करंट का जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा पाथ में करंट ट्रेवल करता है, इसलिए उसे पैरेलल कनेक्शन कहा गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड। इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि जब भी आप सीरीज़ सर्किट की बात करते हैं, तो सीरीज़ सर्किट में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। पैरेलल सर्किट की जब हम लोग बात करेंगे, तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा, वो सेम रहेगा, चाहे आप कितने भी पैरेलल पाथ कनेक्ट कर लीजिए। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम रहता है। ये तो हो गए दो बेसिक डिफरेंस जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को आपस में डिफर करते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से डिवाइस को सीरीज़ में कनेक्ट करना है और कौन से डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे, तो वहाँ आपको ड्राइंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकली किसी भी ड्राइंग में कौन कौन से डिवाइस को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और कौन से डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और वो किसी भी सर्किट में वर्क कैसे करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने के बेनिफिट्स और पैरेलल कनेक्ट करने के बेनिफिट्स प्रैक्टिकली ड्राइंग में मैंने उस प्लेलिस्ट में समझाया है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी ड्राइंग में सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन चार डिवाइस है, यहाँ पर मोटर है और यहाँ पर मैंने एक एक डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट किया है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो तीन डिवाइस मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, ये तीनों में से अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी सेंस करता है, तो मेरी मोटर बंद होनी चाहिए। तो उस केस में मैं इन तीनों डिवाइस को सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। जो हमारी मोटर होगी वो मोटर सर्किट के सीरीज़ में इन तीनों डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे, ताकि इन तीनों डिवाइस में से किसी ने भी अगर एबनॉर्मलिटी को सेंस किया है, तो एंड रिज़ल्ट मुझे ये चाहिए कि मेरी मोटर बंद होनी चाहिए, मोटर सेफ़ होनी चाहिए। तो उस केस में हम जितने डिवाइस है उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो जो एमरजेंसी पुश बटन्स रहते हैं, ओवरलोड रिले रहते हैं, या बहुत सारे पंप में जो वाटर प्रेशर के लिए जो स्विच लगाए जाते हैं, ऑयल प्रेशर के लिए जो स्विच लगाए जाते हैं, उन सबको पैरेलल में, सॉरी सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेट करे तो भी मोटर बंद हो, ओवरलोड रिले एक्ट करे तो भी मोटर बंद हो, वाटर का प्रेशर ड्रॉप हो तो भी मोटर बंद हो। तो इस तरीके से जितने भी हमारे इंटरलॉक्स हैं, उन सबको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एंड रिज़ल्ट मुझे ये चाहिए कि मेरी मोटर बंद होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है पैरेलल सर्किट की। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक बटन है, वो बटन दबाने से एक पर्टिकुलर मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप वो बटन दबाएंगे, तो आप वो बटन को दबा के नहीं रखेंगे, उस बटन को आप दबा के छोड़ देंगे, तो उस केस में आपकी मोटर बंद नहीं होती, मोटर कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसका रीज़न ये है कि आप एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगाते हैं। ये आप मेरे ड्राइंग वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। पैरेलल लगाने का बेसिक क्राइटेरिया आपको ये देखना है कि अगर कोई चीज़ सर्किट को ओपन भी कर देती है, तो भी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी मोटर बंद नहीं होनी चाहिए।
उस केस में मैं क्या करूँगा, एक पैरेलल कॉन्टैक्ट लूँगा उसका, जिसके वजह से अगर एक पर्टिकुलर चीज़ ओपन हो जाती है तो भी पैरेलल पाथ के थ्रू मेरा करंट फ्लो होता रहे और मेरी मोटर कंटिन्यूसली चलती रहे। तो इस तरीके से सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को डिसाइड किया जाता है। अगर आपको किसी डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पाथ इंटरप्ट हो भी जाता है जिसके वजह से करंट का फ्लो इंटरप्ट हो जाएगा मोटर के लिए, तो भी हम एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपकी मोटर कंटिन्यूसली चलते रहे। तो इस तरीके से दोस्तों डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डिवाइस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है और कौन से डिवाइस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। आप ड्राइंग वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, इसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।